अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके सामने नेहा, और लेकर आई हूं आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम। आज हम आपको एक कहानी दिखाने जा रहे हैं जो कि है प्रधानमंत्री वर्सेस हिस्ट्री शीटर के बीच की। जी हाँ, भाई की मौत के बाद अजय राय अब प्रधानमंत्री के सामने ही खड़े हैं। बीजेपी से ही अपने करियर की शुरुआत करने वाले अजय राय अब प्रधानमंत्री मोदी के सामने कांग्रेस के साथ खड़े हैं। आपको बता दें कि ये वही अजय राय हैं जिनके भाई अवधेश राय की हत्या 1991 में डॉन मुख्तार अंसारी ने कर दी थी, जिसके बाद अपने भाई की हत्या के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा। किस तरह से भाजपा से शुरुआत हुई और कैसे कांग्रेस में शामिल हुए अजय राय, ये पूरी कहानी लेकर आए हैं हम आपके सामने, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। बीजेपी से अपने करियर की शुरुआत करने वाले अजय राय को कांग्रेस ने पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से प्रत्याशी बनाया है। वैसे तो अजय राय ने पहली बार 1966 में विधानसभा का चुनाव जीता था, लेकिन उससे पहले ही वो पूर्वांचल के बड़े बाहुबली नेताओं में शुमार हो गए थे। दरअसल अजय राय चेतगंज पुलिस थाने के हिस्ट्री शीटर है। उनके बड़े भाई अवधेश राय ब्रजेश सिंह के करीबी थे और कोयले की ठेकेदारी करते थे। इसी के चलते अजय के भाई की कई लोगों से दुश्मनी बढ़ गई। जब ये दुश्मनी पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी से हुई, तो साल 1991 में अवधेश राय की हत्या कर दी गई। अवधेश राय की हत्या का आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा। इसके बाद अजय राय का नाम तेजी से बढ़ा, उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। साल 1996 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कोलासला विधानसभा सीट से उन्हें टिकट दिया और अजय राय इस सीट से जीत गए। उन्होंने सीट पर सीपीआई के बड़े नेता को 484 वोटों से हराया था। ये जीत उनके लिए काफी कारगर रही और उन्होंने 2007 तक इस सीट पर कब्जा जमाए रखा। वहीं दूसरी ओर अजय राय अपने भाई की हत्या का भी केस लड़ते रहे। इसी दौरान 2007 में अजय राय वाराणसी कोर्ट में गवाही के लिए गए थे, तभी बाहर निकलने के दौरान उन पर गोलियां चली, लेकिन वो बाल बाल बच गए। बाद में अजय राय ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया था। 2012 तक आते आते अजय राय पर एक दर्जन से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हो गए। अजय राय के खिलाफ रासुका, हत्या की कोशिश, हिंसा भड़काने, जानलेवा हमले के अलावा गैंगस्टर एक्ट और गुंडा एक्ट के भी कई मामले दर्ज हो चुके हैं, जिनमें से रासुका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हटा दिया था। फिलहाल अब 2014 के बाद कांग्रेस ने 2019 में अजय राय पर दाव चला है। न्यूज डेस्क। किस तरह अजय राय पर 2007 में गोलियों से हमला भी किया गया, यही राजनीति है। डॉन मुख्तार अंसारी से कभी तीखे रिश्ते तो कभी मिठास भी बीच में आई। दल बदल की राजनीति शायद इसे ही कहा जाता है। भाजपा से सफर शुरू हुआ और कांग्रेस पर इस समय आकर खड़ा है साथ में। क्या होगा आगे, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल हम आपसे कहने जा रहे हैं कि न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह की स्पेशल स्टोरी के लिए। वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और आप हमें बता सकते हैं और किस तरह की स्टोरी आप हमसे चाहते हैं। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, तभी आपको मिलेंगी देश और दुनिया की हर अपडेट। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।